हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एओसी एओसी के यहाँ पर जॉइनिंग के बारे में और जॉइनिंग लेटर के बारे में। फाइन दोस्तों, एओसी में ट्रेसमैन और फायरमैन दोनों पोस्ट में यहाँ पर जॉइन लेटर जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, जिन कैंडिडेट के यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था उनके यहाँ पर कब तक जॉइन लेटर आएंगे, सेंटर वाइज आएंगे या फिर जिन्होंने डीवी पहले करवाया था उनके सबसे पहले आएंगे। दोस्तों, किस हिसाब से यहाँ पर एओसी ट्रेस में और फार्म में जॉइन लेटर आ रहे हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी वीडियो में देने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ किस किस कैंडिडेट का सबसे पहले यहाँ पर एओसी ट्रेस में और फार्म में जॉइनिंग होने वाली है, किसके यहाँ पर पहले आएगा, किसका यहाँ पर लेट आएगा, किसकी जॉइनिंग आप सबसे पहले होने वाली, इसकी भी सारी जानकारी देने वाला हूँ। और ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर एओसी में जॉइनिंग को रोका जाएगा, दोस्तों इसकी भी इस जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। और जिन कैंडिडेट का यहाँ पर जॉइन लेटर आ गया है एओसी ट्रेसमैन और फायरमैन में, उनके यहाँ पर जॉइनिंग कब तक होगी, और जिन कैंडिडेट के पास अभी तक यहाँ पर जॉइन लेटर नहीं आया उनके पास यहाँ कब तक जॉइन लेटर आ जाएगा, दोस्तों कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। जो कैंडिडेट यहाँ पर एओसी ट्रेसमैन और फायरमैन में जॉइनिंग का वेट कर रहे हैं, जॉइन लेटर का वेट कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। जॉइनिंग से रिलेटेड और सभी डाउट्स वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो दोस्तों बने ये वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एओसी ट्रेसमैन और फायरमैन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें यहाँ पर पोस्ट वैकेंसीज और सिलेक्शन प्रोसेस की सारी जानकारी दी गई है। ट्रेसमैन मीट में 2249 और फायरमैन में 524 वैकेंसीज पर यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई किए गए थे। और दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से यहाँ पर फिजिकल एग्जाम होने के बाद फाइनल मेट आउट कर दी गई थी। जिन कैंडिडेट ने सिलेक्शन लिया था एओसी ट्रेसमैन और फार्मर में, उनके यहाँ पर डीबी और पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गए हैं। अब फाइनली दोस्तों, यहाँ पर ट्रेसमैन फार्मर में जिनके यहाँ पर डीबी या पुलिस वेरिफिकेशन हो गया था उनके यहाँ पर जॉइन लेटर जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, नेक्स्ट मंथ 10 अक्टूबर के बाद यहाँ पर एओसी में जॉइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, 11 तारीख से यहाँ पर जॉइनिंग स्टार्ट है, 11 अक्टूबर से। और दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट के पास यहाँ पर ट्रेसमैन और फार्म दोनों पोस्ट में यहाँ पर जॉइनिंग लेटर आ गए हैं। और दोस्तों, जो जॉइनिंग लेटर आ रहे हैं वो सेंटर के हिसाब से आ रहे हैं। भटिंडा 36 FAD जो भी यहाँ पर सेंटर था एओसी का, उस सेंटर के यहाँ पर जॉइनिंग लेटर जारी कर दिए गए हैं। जिन कैंडिडेट ने आपका सेंटर का था, जो फिजी का सेंटर था, उस सेंटर के यहाँ पर जॉइनिंग लेटर जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, अदर सेंटर वालों के भी यहाँ पर जॉइनिंग लेटर जल्दी से जल्द आ जाएंगे। अगर किसी कैंडिडेट के पास जॉइन लेटर आता है वो मुझे इंस्टाग्राम पर भेज दे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दे, जिससे कि मैं आधा कैंडिडेट कन्फर्म कर सकूं यहाँ किस पोस्ट में जॉइन लेटर जारी हुआ है। तो दोस्तों, जब भी यहाँ पर किसी ना किसी पोस्ट में जब भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा दोस्तों, प्रूफ के साथ आपको आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। और दोस्तों, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूँ, यहाँ एओसी ट्रेसमैन और फायरमैन में जॉइनिंग लेटर आने लग गए। जिन कैंडिडेट ने अपना डेवी या क्वालिफिकेशन सबसे पहले करवाया था उनके यहाँ पर जॉइन लेटर जारी कर दिए गए, सेंटर वाइज यहाँ पर जॉइन लेटर आ रहे हैं। और दोस्तों, बात आती है किस कैंडिडेट के यहाँ पर जॉइन लेटर को रोका जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट के यहाँ पर जॉइन लेटर को रोका जाएगा जिन कैंडिडेट ने अपना पुलिस वेकेशन नहीं करवाया था, ऐसे कैंडिडेट के यहाँ पर जॉइन लेटर को रोका जाएगा। और दोस्तों, दूसरे ऐसे भी कैंडिडेट है जिन्होंने पुलिस वेकेशन नहीं करवा के एफिडेविट सबमिट किया था सेंटर में, तो ऐसे कैंडिडेट का भी यहाँ पर अभी तक जॉइनिंग लेटर को रोका जाएगा। ऐसे कैंडिडेट की यहाँ पर जॉइनिंग 2 महीने बाद होने वाली है, जब सभी कैंडिडेट के यहाँ पर जॉइनिंग हो जाएगी एंड देन उनके यहाँ पर फिर जॉइनिंग होने वाली है। तो दोस्तों, जिन्होंने यहाँ पर डीवी और पुलिस वैकेशन सबसे पहले करवाया था, सही तरीके से करवाया था, उनकी यहाँ पर जॉइनिंग सबसे पहले होने वाली है। और दोस्तों, बात आती है जिन्होंने पुलिस वेकेशन सही करवाया था, पुलिस वेकेशन सबसे पहले करवाया था, पर उनका भी यहाँ पर जॉइन लेटर नहीं आया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सेंटर वाइज यहाँ पर जॉइन लेटर आ रहे हैं, जैसे जैसे सेंटर का यहाँ पर चांस आएगा
उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पास यहाँ पे ज्वाइन लेटर आ जाएगा। तो दोस्तों 5 या फिर 6 तारीख से पहले आपका सभी का यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो दोस्तों जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग से पहले आपके सभी के यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे। जो भी कैंडिडेट यहाँ AOC टेस्टमैन और फायरमैन ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं वो टेंशन फ्री हो जाए। दोस्तों AOC टेस्टमैन और फायरमैन दोनों पोस्ट में ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिए गए हैं, जारी कर दिए गए हैं, रिलीज कर दिए गए हैं। सभी कैंडिडेट का यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा एंड ज्वाइनिंग डेट पर जाकर आप यहाँ ज्वाइनिंग करा लें। तो दोस्तों किसी कैंडिडेट के पास कोई लेटर आता है तो वो मुझे व्हाट्सएप में भेज दे, इंस्टाग्राम पर भेज दे या फिर टेलीग्राम पर भेज दे, जिससे कि मैं कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर सकूँ। अगर किसी कैंडिडेट को यहाँ ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पर पर्सनल मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकता है। दोस्तों इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों AOC ज्वाइनिंग से रिलेटेड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब भी किसी कैंडिडेट के यहाँ पर AOC टेस्टमैन या फिर फार्मर में ज्वाइनिंग लेटर आता है सबसे पहले इस चैनल पर आपको वीडियो मिलने वाली है, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो दोस्तों आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।